हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 तारस अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 2 पॉलीनोमियल से एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल 2x² प्लस 7x प्लस 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अगर आपके क्वेश्चन में गिवन जीरोज अल्फा और बीटा हैं यहाँ पर गिवन पॉलीनोमियल इक्वेशंस के, तो गिवन पॉलीनोमियल इक्वेशन है आपकी 2x² प्लस 7x प्लस 5 है, और गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, ये इसके क्या हैं, जीरोस हैं ऑफ पॉलीनोमियल इक्वेशन के, यानी फंक्शन ऑफ x के जीरोस हैं। तो अगर ये जीरोस हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर इसका सम ऑफ जीरोस फाइंड करें तब हमको अल्फ़ा और बीटा मिल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाएगा, और इसी में हम अगर पुट कर देंगे तो इक्वेशन में इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अगर हम यहाँ पर जैसे कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरिजन करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो इसमें a की वैल्यू क्वेश्चन में 2 आ रही है, b की वैल्यू क्वेश्चन में प्लस 7 आ रही है, और c की वैल्यू क्वेश्चन में 5 आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे। माइनस b की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 2 है, तो माइनस 7/2 अल्फ़ा प्लस बीटा आया है। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, यानी कि आपका कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ ए। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा कि इनकी वैल्यू क्या होती है यहाँ से। सो ये इनकी क्या होती है, वैल्यूज़ होती हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमको क्या मिल जाएगा, सी क्या है, 5 है, और ए की वैल्यू है 2। तो नाउ आपसे पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इनकी वैल्यूज पूछ रहा है। तो हम अगर इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 बता लें तो हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो ऑन पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें अगर, तो देखिए अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्वेश्चन में कितना है, माइनस 7/2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 5/2 है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, तो माइनस 7+5, और माइनस आपका 7 में से प्लस 5 जाएगा तो माइनस 2 आएगा, तो माइनस 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि माइनस 1 आ रहा है। तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में माइनस 1 आ रही है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे इन्हीं की तो वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए पूछा था। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन समझ में आया है तो ज़रूर बताइएगा यस मैम समझ में आया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।